हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है 0 to 1 1 - x³ / log x dx = इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी ये आपको पता लगाना है, इनमें से कौन सा सही होगा पता लगाना है, कैसे सॉल्व किया जाए। पहले पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि लॉग एक्स को समथिंग मान लिया जाए, लॉग एक्स को टी मान लें तो सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल होगा उस तरह सॉल्व करना। देखो, एक्स को या लॉग एक्स को कुछ मान करके इसमें सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना पसंद करोगे, सोचो, दिमाग लगाओ। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका। देखो, अगर मान लो, और देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जिसको आप लोग हमेशा इग्नोर कर देते हो। तो वो प्रॉपर्टी ये है कि, और उस प्रॉपर्टी को लिखने के पहले मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, उसको पहले समझो। देखो, जैसे मान लो t^5 x² dx लिखा हुआ है और इसको आपको 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है। समझो ध्यान से, अगर इसमें आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और 0 से 1 जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी t^5 x³/3 फ्रॉम 0 से 1, ऐसे ना करोगे। और फिर जब इसकी वैल्यू निकालोगे, ये कितना जाएगा t^5 और 1/3 और -0, ठीक है, कुल मिला के t^5/3 आएगा। समझ आएगा? देखो, जब इंटीग्रैंड जो है वो दो वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा हुआ हो, x भी एक वेरिएबल है, t भी एक वेरिएबल है, पर t और x में आपस में कोई रिलेशन ना हो, और अगर आपको x के रिस्पेक्ट में डेफिनेट इंटीग्रेशन करना हो, तो एट द लास्ट x हट जाएगा और सिर्फ t बच जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये t का एक फंक्शन है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हम इसको लिख सकते हैं ना कि भाई जब x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है और अंत में x की वैल्यू 0 और 1 रख देनी है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ t ही तो बचेगा, और जब सिर्फ t बचेगा तो ये t का फंक्शन है, ऐसे कहा जा सकता है। तो it = जो लिखा हुआ है t^5/3, अगर हम यहाँ पर i' की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 5t^4/3। अब ये मैंने क्यों किया, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं आखिर डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहा हूँ, तो इसका कारण है। और ये जो डिफ्रेंशिएशन है, इसका फ़ायदा लेना है इस क्वेश्चन में जो मैं कराने जा रहा हूँ, 1 - x³/log x, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1 dx। तो i' की वैल्यू ये होगी। अच्छा, ये मैं जो करा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि अगर मैं यहीं पर डिफ्रेंशिएट कर देता, मैं i' कर देता, तो मैं अंदर जा कर के पहले डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इंटीग्रेट करूँ, आंसर वही आएगा मेरा। और इतनी सिंपल सी बात पर, इसके पहले जो मैंने जो क्वेश्चन लिखा था, जो पहला आज का क्वेश्चन है, वो बेस्ड है और बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, it की वैल्यू, पहले मैंने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, फिर x की वैल्यू 0 और 1 रख दी, जैसे हम लोग करते हैं, प्रोसेस होता है, t के फॉर्म में आ गया, फिर i' निकाला तो 5t^4/3 आ गया, ठीक है। तो i' की वैल्यू हम इंटीग्रेट करने के बाद भी निकाल सकते हैं, और i' हम पहले भी कर सकते हैं, मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट पहले कर सकते हैं। अगर हम अंदर जा करके डिफ्रेंशिएट कर दें ऐसे, तो अब देखो किस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5t^4, भाई डिफ्रेंशिएशन वाला काम तो हो गया, t के रिस्पेक्ट में आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है, जाके कर दिया अंदर, और ये आ जाएगा x³/3 फ्रॉम 0 से 1। और अब आप जब यहाँ 1/3 - 0 करोगे तो ये 5t^4/3 आ जाता है, ठीक है। तो i' की वैल्यू यहाँ से भी वही आई, तो ये वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर जा रही है। तो i' की वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके फिर x की वैल्यू ये रख देंगे तो t के फॉर्म में आ जाएगा, फिर i' की वैल्यू निकाल लें, या i' निकालने के लिए अंदर जाके पहले डिफ्रेंशिएट कर लें t के रिस्पेक्ट में और उसके बाद हम इंटीग्रेट करें, तो हमारा आंसर वही आएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, फिर मैं इसको बता क्यों रहा हूँ, इसको बता इसलिए रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि जो है कोई इंटीग्रेशन है हमारे सामने a to b, अब जनरल तरीके समझिए, और x और t के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है और आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है।
ठीक है। तो पक्की बात है ये t का एक फंक्शन होगा। कैसे भाई, x और t के फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, एफ एक्स टी, एक्स कॉमा टी का मतलब इफ द इंटीग्रैंड इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड t, करेक्ट, एंड वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रैंड दो वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है x और t। तो हम इस क्वेश्चन में या मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स में ऐसा जब लिखे लिखा हुआ हो आपके सामने तो i डैश t की वैल्यू डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा अपॉन डेल्टा t f x कॉमा t dx, ठीक है। जिन जिन बच्चों को ये समझ में आ जाएगा वो उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो, अगर x और t के फॉर्म में इंटीग्रैंड है और आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, तो एट द लास्ट कुछ भी हो जाए, एट द लास्ट जब आप x की वैल्यू a और b रखोगे, जैसे आप लोग करते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लास्ट में b रख देते हो, फिर a रख देते हो, माइनस कर देते हो, यही करते हो ना, तो एट द लास्ट जब आप भाई x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट आप कर रहे हो, एट द लास्ट जब ये दोनों रखोगे ही तो t जो है वो बचा रह जाएगा, और जब t बचा रह जाएगा तो वो t का फंक्शन है, वास्तव में इसकी वैल्यू में t रहेगा, ठीक है। तो ये इसको हम i t मतलब t का एज अ फंक्शन कह सकते हैं। और अगर i डैश t की वैल्यू निकालना है तो हम अंदर जाके पहले डिफ्रेंशिएट कर लें t के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद जो बचेगा हम उसको इंटीग्रेट करें, हमारा आंसर वही आएगा। और यही चीज़ मैंने तुम्हें यहाँ पर सिखाया, ठीक है। ये x और t के फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले हमने इसको इंटीग्रेट किया, फिर डिफ्रेंशिएट किया, और पहले डिफ्रेंशिएट किया और फिर उसके बाद इंटीग्रेट किया, ठीक है। हम अंदर जाके पहले डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं तो ये सही है, मतलब इसके बाद ये करना सही है, क्योंकि इसके बाद आंसर रिजल्ट तो वही आ रहा है ना भाई। आई डैश टी की वैल्यू हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, और हम जैसे हम जानते हैं इंटीग्रेट करने के बाद हम आई टी निकालें और फिर आई डैश टी की वैल्यू निकाल लें, तो मतलब कहने का कि अंदर जाके डिफ्रेंशिएट करना अलाउड है, अंदर जाके डिफ्रेंशिएट करना, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना अलाउड है, अगर इंटीग्रैंड जो है वो x और t दो वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है और उन दोनों वेरिएबल्स का आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं हो तो, ठीक है। तो अब देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था इसमें हम कैसे इसका यूज़ करेंगे, देखो इसके लिए x की पावर t माइनस वन अपन लॉग x dx, अगर आप इसे इंटीग्रेट कर लें तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है फिर आप उसका आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। देखो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x और t दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, t के बारे में सिर्फ इतना कहा गया कि ये जीरो या जीरो से अधिक है, ठीक है। तो ये पक्की बात है t का एक फंक्शन है, करेक्ट, ये t का एक फंक्शन है, करेक्ट। तो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है और एट द लास्ट x गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 और 0 हमें रख करके आगे बढ़ जाना होगा। तो फिलहाल ये t का फंक्शन है जो मैंने अभी इसके पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया है ना। तो i डैश t की जो वैल्यू होगी, हम पहले i डैश t की वैल्यू निकालेंगे। अब जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं अंदर, तो t के सामने, t के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो टी के सामने जो कुछ भी वेरिएबल होगा वो एज अ कांस्टेंट की तरह हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो एक्स की पावर टी, जैसे ए की पावर टी का डिफ्रेंशिएशन ए की पावर टी लॉग ए होता है ना, ए जो है वो एक कांस्टेंट है, तो उसी तरीके से यहां पर एक्स टू द पावर टी लॉग एक्स, ठीक है, अगर आपने जाके इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आप ये पाओगे x की पावर t log x, x कांस्टेंट है, ठीक है, x एज अ कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, अभी आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है और x को वेरिएबल भी नहीं मान। जब आप t के रिस्पेक्ट में कुछ काम कर रहे हो तो x को एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लो, और जब आप x के रिस्पेक्ट में कुछ करने जा रहे हो तब आप t को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लो, ठीक है। तो यहां पर जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया x पावर t log x अपॉन log, और 1 का भाई डेरिवेटिव 0 होगा, log x एज अ कांस्टेंट, ठीक है, लटका हुआ ऐसे ही, हां ठीक है। तो यहां पर log x कट गया और ये आ गया x की पावर t फ्रॉम 0 से 1 dx, ठीक है। अब तुम बड़े आसानी से इसको लिख सकते हो x टू द पावर t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 फ्रॉम 0 से 1, और इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन t प्लस 1, ठीक है। आपको निकालना था i t और आपने निकाल लिया i डैश t, ठीक है। तो i डैश t इसीलिए निकाला है ताकि आप i t निकाल सके, ठीक है। तो आपको अब i t निकालना है, तो i डैश t की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन t प्लस 1 आ गई है, ठीक है। तो i डैश t की जो वैल्यू है
वो आ रही है 1/t+1, और जो हमारे सामने जो क्वेश्चन था वो था 0 से 1 x^t-1/log x और dx, और t की वैल्यू के बारे में 0 ये कहा जा रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके लिए आपने आईडियासिटी निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है आई टी निकालने के लिए आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब तो बड़े आसानी से कर सकते हो, और दिया जाएगा log t+1+c। ठीक है, मैं यहाँ पे मॉड यूज नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि t की वैल्यू 0 से अधिक है या 0 या 0 से अधिक है तो पक्की बात है ये पॉजिटिव ही हो, तो log के अंदर मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आईडियासिटी की वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमने पहले आईडियासिटी निकाल ली, आईडियासिटी निकालने के बाद आई टी निकाल सकते हैं, आई टी निकालने के लिए हमें डायरेक्टली इंटीग्रेट करना होगा, हमें नहीं पता लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या लिखनी है, सीधा आई टी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अगर सी की वैल्यू आ गया तो हमारा तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है भाई, आई टी निकालने के लिए हमने पहले आईडियासिटी निकाला, आईडियासिटी के बाद इंटीग्रेट कर दिया, तो जाहिर सी बात है आई टी की वैल्यू आने लगेगी, पर यहाँ पर एक सी जो है एक्स्ट्रा आ गया है। अच्छा, यहाँ पर t बराबर अगर 0 रख दें तो आई 0 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, log 1 0 होता है 0+c, तो आई 0 बराबर सी। ठीक है, आई 0 बराबर सी, सी की वैल्यू अगर निकालनी है तो आई 0 लिख दो, तो आई 0 तो यहाँ से निकल जाएगा ना, आई 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 से 1 x^0-1/log x dx। भाई t की वैल्यू हम 0 भी रख सकते हैं ना, तो x^0 कितना होता है 1, और ये हो जाएगा 0, तो कुल मिला के i0=0। ठीक है, इसको आपने यहाँ रखा, ठीक है, आपने हाँ i0 की वैल्यू 0 तो मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब c की वैल्यू 0 तो it बराबर कितना आ जाएगा log t+1। समझ में आ रही बात, तो it की वैल्यू log t+1 के बराबर है, करेक्ट। और जो क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिया था 0 से 1 x^3 नहीं था, 1 x^3 था, अगर मान लो x^3-1/log x की वैल्यू निकालनी हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी log 3+1। भाई जब x की पावर, क्वेश्चन देखो हमारा x^t-1/log x है, तो इसका आंसर आ रहा है 0 से 1 में log t+1, तो जो पावर है उसमें एक जोड़ दो और log के अंदर लिखना है, तो ये जो पावर है तो x^3-1/log x dx जो वैल्यू होगी वो log 3+1 मतलब log 4 हो जाएगी। ठीक है, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने वो ये था, तो जब हमें पता है कि 0 से 1 x^3-1/log x dx की वैल्यू log 4 है, ठीक है, log 3+1 मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया हूँ, log 3+1 है, तो जाहिर सी बात है 0 से 1 1-x^3/log x dx की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -log 3+1 मतलब -log 4 या log 1/4। ठीक है, 4^-1 मतलब 1/4, इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, जब हमने x^3-1 लिखा हुआ तो अगर ये आंसर है तो मैं जब यहाँ पे पलट दूंगा या कह दो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उधर ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर log 1/4 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, और ये जैसे कन्वेंशनल तरीके से आप लोग सॉल्व करते हो उस तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपने यहाँ पर 3 की जगह पर पहले t लिखा और उसे एज अ वेरिएबल मान करके आपने इसे ट्रीट किया और आगे बढ़ते गए, उसका आंसर जो है log t+1 आया था, और उससे आइडिया लेकर के हम यहाँ पर इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो x^3-1/log x dx फ्रॉम 0 to 1 की वैल्यू log 4 है, तो 1-x³ करने पर जो है वो माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों, तो चलो बच्चों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को मैंने तुम्हें आज कराया, और अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक और नया क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।